इसे बनाने के लिए मैंने 2-ply का नॉर्मल वुल लिया है और 10 नंबर की सिलाई। 10 नंबर की सिलाई पर सिंगल वुल से 40 फंदे डाल लेंगे। अब ये हमारा पहला लाइन है और सामने से, तो 6 फंदों को हम सिलाई में 3 बार फोल्ड करके 2 और 3 सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6। तो 6 फंदों को हमने सिलाई में 3 बार लपेट के सीधा बुना है। अब 6 फंदों को हम 2 बार लपेट के सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदों को हमने 3 बार सिलाई में ऊन लपेट के सीधा बुना और 6 फंदों को हमने 2 बार सिलाई में ऊन लपेट के सीधा बुना। अब 16 फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 फंदों को हमने नॉर्मली सीधा बुना। अब 6 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदों को हमने 2 बार लपेट के सीधा बुना। अब लास्ट के 6 फंदे बचे हैं जिन्हें हम सिलाई में 3 बार ऊन लपेट के सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 और 1, 2, 3, 6। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये हमारा दूसरा लाइन है। तो सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 40 फंदे हैं, 40 फंदों को हम सीधा बुन के लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के उल से 6 फंदा सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6। तो हमने 6 फंदों को सिलाई में 2-3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। अब 6 फंदों को अगले 6 फंदों को हम 2 बार ऊन लपेट के सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेक्स्ट 16 फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। तो 16 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब 6 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे।
लास्ट के 6 फंदों को सिलाई में 3 बार ऊन लपेट के सीधा, 1 2 3, 3 बार ऊन लपेटेंगे और सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कलर से दो दो लाइन बुना है, यानी 4 लाइन बुना, तो ये 2 धारियां हैं। अब हम 6 लाइन और बुनेंगे तो 3 धारियां आ जाएंगी। तो 6 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 लाइन बुन लिया, देखिए 5 धारियां आए हैं और ये कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हम अपने सेकेंडरी कलर के वूल से फिर से 6 फंदा सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 फंदा हमने सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुना, फिर 6 फंदा हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, 3 4 5 6। अब हम 5 फंदे नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब चौथे फंदे को हम उठाएंगे और 5वें फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये हमने 1 फंदा घटा दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 फंदे घटा दिए। अब 2 फंदा हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे और फिर 12 फंदे बचे हैं, तो 6 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, 4 5 6 और 6 फंदों को सिलाई में 3 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने फंदों को सीधा बुन लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने 10 फंदे घटाए थे, तो हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। सीधा बुना और इस पे चढ़ा दिया, 1 2, देखिए लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, ये हमारा लूप हुआ, इसको वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, ये तीसरा फंदा हुआ, फिर इसी को फिर से सीधा बुनेंगे, बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, चौथा, फिर इसे सीधा बुनेंगे, बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, पांचवा हो गया, सीधा बुना, बाएं सिलाई में चढ़ा दिया, 6 7 8 9 और 10। तो हमने 10 फंदे वापस बढ़ा लिए। अब हम फिर देखिए इस साइड में आ जाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और जो हमने ये फंदे हैं इन्हें वापस सीधा बुन लेंगे। अब जैसे हमने ये 5 धारियां बनाई हैं, उसी तरह इस साइड हम 5 धारियां बना लेंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, दूसरी साइड भी 5 धारी बन गया है, 1 2 3 4 5। तो अब हम सभी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे।
अब हम इसे बाइंड ऑफ कर रहे हैं, सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, पीछे एक सीधा फंदा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। दो दो फंदे लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। इसी तरह करते हुए और हम हाथ ढीला रखेंगे तो सभी फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे, हाथ हम बहुत ही ढीला रखेंगे। यदि आपका हाथ टाइट चलता हो तो लूप को थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे तो फंदा ढीला उतरेगा। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो बाइंड ऑफ करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए और ये कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। अब हम इस लूप को बड़ा करेंगे और इसमें से गोले को निकालेंगे। अब ये सिरा चूंकि खुला हुआ है तो इसमें हम क्रोशिये से एजिंग कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से एक लूप निकालेंगे, तीन चेन बनाएंगे, फिर दो बल लेंगे और फिर यहीं से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो बल लेंगे, यहीं से हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो बल लेंगे और यहीं से एक और ट्रिपल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट वाले पे सिंगल स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, दो बार बल लेंगे और यहाँ से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो बल लेंगे, यहीं से एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो बल लेंगे और यहीं से एक और ट्रिपल क्रोशिया। अब हम फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दो बल लेंगे और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और तीन, और फिर नेक्स्ट वाले डिजाइन पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम किनारों की एजिंग कर लेंगे। तो सारा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड में एजिंग कर दी है। अब हमें इसमें थोड़ी सी सिलाई करनी है तो इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे। देखिए ये उल्टी की तरफ से ये ऐसा दिख रहा है और सीधे तरफ से ऐसा, तो इसे हम उल्टा फोल्ड कर लेंगे। और हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। थोड़ी दूर पर यहाँ तक हम ऐसे नॉर्मल सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा कान्हा जी का पोशाक बनके तैयार है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और ऊपर से देखिए तो ऐसा।
अब हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने 22 फंदे डाले हैं, 10 नंबर की सिलाई पे 22 फंदे डाले हैं और 6 धारियां बनाया है, यानी कि 12 लाइन बुना है। सीधा सीधा बुनते हुए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए मैंने 12 लाइन कंप्लीट किया है। देखिए, एक पिंक कलर से, फिर दो धारी व्हाइट कलर से, फिर एक पिंक कलर से, फिर दो धारी व्हाइट कलर से। इस तरह देखिए टोटल 6 धारियां हैं, यानी कि हमने 12 लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, धागे को काटेंगे और उसे सुई में पिरो लेंगे। और अब इन सारे फंदों को हम सुई पे कर लेंगे। सारे फंदों को हम सुई पे उतार लेंगे। और एक बार और हम धागे को सभी फंदों में से ऐसे निकाल लेंगे। दो राउंड हमने सभी फंदों में से दो राउंड हमने निकाल लिया और इसे जितना टाइट हम खींच सकते हैं ऐसे खींचेंगे। देखिए ये फूल की तरह हो गया। और फिर अब गांठ लगा देंगे। और अब हम यहां से इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और इन दो धागों को बांध लेंगे और इन्हें अंदर की तरफ कर देंगे। इन दो धागों को बांधेंगे और इन्हें अंदर की तरफ कर देंगे। तो हमारी टोपी बनके तैयार है। हम चाहे तो इसे ऐसे ही रहने दें, चाहे तो इस पर छोटा सा पम्पम लगा सकते हैं। तो हमारी टोपी बनके तैयार हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप और ड्रेस दोनों बनके तैयार है। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।